अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नोमिशा वाइब्स। और तो इस टाइम हम शाह रुकने आलम के दरबार पे मौजूद हैं, तो चलें आपको भी दिखाते हैं। दरबार का व्यू काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त है और मुकम्मल जो है आपको रिव्यू वगैरह वीडियो जो है एंड तक देखा करें, कोशिश किया करें वीडियो स्किप ना किया करें। बहुत अच्छे मोमेंट्स होते हैं वीडियोज़ में, तो आप लोग स्किप कर देते हैं तो वीडियो ख़राब हो जाती है। अभी हम दरबार के अंदर जो है इंटर हो चुके हैं, तो अभी फ़िलहाल दरबार में जाते हैं। इसके बारे में फिर आपको मैं बताता हूँ डिटेल से। ये है जी शाह रुकने आलम, उनकी मज़ार। और बाकी ये क्योंकि ये बहुत पुराना किला बना हुआ है ना, कासम अली कोई बादशाह थे या जो भी हैं उनके दौर का, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैं शाह रुकने आलम की दरबार पे मौजूद हूँ, उनकी दरगाह पे। तो यहाँ पे दरबार का जो अंदर वाला हिस्सा है वो भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, क्योंकि ये बादशाह किसी बादशाह के दौर में बनाया गया था, तो इस वजह से बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे भी। शाह रुकने आलम नूरी हजूरी के दरबार पे मौजूद था, यहाँ का आपको माहौल चेक करवा दिया। बहुत ज़बरदस्त आरइशों हुई हुई हैं यहाँ पे, और मज़ार के अंदर वाला हिस्सा भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, और कैमरे वगैरह लगे हुए हैं ताकि कोई ना खुशगवार वाकया ना पेश आए। जो बहुत ज़बरदस्त माहौल है। देखते हैं इसके अलावा यहाँ पे क्या चीज़ है, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह आपको पूरे मुल्तान का जो ये कासम अली किला, जहाँ यहाँ पे जितने भी दरबार हैं, जो भी यहाँ पे है निज़ाम, वो हर चीज़ इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो ये हम क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे हैं, अगर देखा जाए यहाँ से हमें पूरा मुल्तान नज़र आता है। Thank you.
बाकी जो है यहाँ का माहौल वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त है, पुरसकून माहौल है यहाँ पे, सिक्योरिटी वगैरह वो भी बहुत अच्छी है, और बाकी लोगों का भी आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है। लाइक फिर मौसम सर्दी वगैरह थी, अभी थोड़ी देर पहले ही धूप निकली है, मुल्तान का मौसम जन वो नॉर्मल हो। तो अभी हमने शाह रुकन आलम नूरी हजूरी का दरबार जो है वो विज़िट कर लिया है, तो चलें अब आपको बाकी जो है यहाँ पे किले में जौन जौन से दरबार हैं, जो भी यहाँ पे मुकामात हैं, उनकी मुकम्मल सैर करवाता हूँ।